गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे जब आप पढ़न लगे हाँ पार्ट सिक्स, ठीक है, पंजाबी दा दोस्ती, ठीक है बच्चे, लेख हैगा है दोस्ती, ठीक है। इंदे विच जेड़े आ आपां नूं कृष्ण जी जड़े हुए ने, कृष्ण जी ते सुदामा, ठीक है, उन्हां दी जड़ी दोस्ती है उन्हें बारे दस्या गया कि उन्हां दी दोस्ती किस तरह की सी, ठीक है। जेड़े श्री कृष्ण जी सीगे वो मतलब अपनी जड़ा सुदामा सी वो एक गरीब मित्र सी उन्हां दा, ठीक है, और जड़े सी वो उन्हां नूं बड़ा याद करते सी, ठीक है, और उन्हां दा उन्हां नाल बड़ा प्यार सीगा। कृष्ण जी जड़े सी अपने मित्र की जड़ी मदद सी बिना दसे करते होंगे सी, ठीक है, मतलब उन्होंने ये नहीं सी दसते कि तुहानूं किसी चीज़ की लोड़ है जां मैं देनी है, ठीक है, और उन्हां दी मदद करते होंगे सी। ओके चलो बच्चे आप पढ़ते हैं। श्री कृष्ण अते सुदामा की दोस्ती जग विच बड़ी प्रसिद्ध है। दोवें बचपन विच इकट्ठे पढ़ते सन। श्री कृष्ण जी वड्डे होके राजा बन गए, परंतु सुदामा गरीब ही रहा। जिहड़े श्री कृष्ण जी ते सुदामा सीगे, ठीक है, उन्हां दोनों की जिहड़ी दोस्ती सी बड़ी प्रसिद्ध सीगी, प्रसिद्ध हैगी है अज भी, ठीक है, और जिहड़े इकट्ठे पढ़ते होंगे सीगे बचपन दे विच, और जिहड़े श्री कृष्ण जी सीगे वो वड्डे जदों होए, ठीक है, और वो राजा बन गए, और जिहड़े सुदामा सी वो गरीब ही रह गए, ठीक है। गरीबी कारण सुदामे का परिवार बड़ा दुखी सी, बच्चे भुखे मर रहे सन। एक दिन सुदामे की पत्नी ने उसनू कहा, श्री कृष्ण जी तुहाडे बचपन के दोस्त हैं, तुसीं उन्हां कोल जाओ, कुछ मदद लै आओ। जिहड़े गरीबी के कारण जिहड़ा जिहड़ा सुदामे का परिवार सीगा, ठीक है, बड़ा दुखी सी और उन्होंने बच्चे जड़े भुखे मर रहे सी। एक दिन उन्होंने पत्नी ने कहा कि जाओ तुसी श्री कृष्ण जी नू मिलो, तुहाडे बचपन के दोस्त ने, तुसी उन्हां कोलों मदद लै आओ, ठीक है। सुदामा पत्नी की गल सुन के पहला तो तैयार ना होया, परंतु भुखे मरदे बच्चों वल वेख के श्री कृष्ण जी नू मिलन लई चल पिया। रस्ते विच सुदामा तुरिया जा रहा जांदा सोच रहा सी वह अपने बचपन के दोस्त कोलों किवें मदद मंगेगा, की पता वह उसनू पछाणेगा भी कि नहीं। जिहड़े सुदामा हैगे ने अपने पत्नी की गल सुन के पहले तो जाण नूं तैयार नहीं सी, पर बाद विच जदों उन्होंने अपने बच्चों वल देखिया तो वह जिहड़े सी श्री कृष्ण नूं मिलण लई घरों चल पए, ठीक है, और रस्ते विच जांदे हुए यही सोची जा रहे सी कि मतलब वह मेरे बचपन के दोस्त ने, मैं उन्हां कोलों किवें उन्होंने कोलों मदद मंगा, ओके, और मैनूं पता नहीं वह पछाणनगे भी कि नहीं। आखिर सुदामा तुरिया जाता श्री कृष्ण जी के महलों के बाहर पहुँच गया। महल के बाहर पहरेदार पहरा दे रहे सन। पहरेदार ने सुदामे नूं उच्ची सारी कहा, तू इधर की वेख रहा है? श्री कृष्ण जी मेरे बचपन के यार हैं, मैं उन्होंने मिलने लई आया हाँ, सुदामे ने जवाब दिता। की होया कि जो सुदामा जी जिहड़े श्री कृष्ण के महलों के बाहर पहुँचे और जिहड़े उत्थों के जिहड़े पहरेदार सन जिहड़े बाहर खड़े सन, ठीक है, उन्होंने पहरा दे रहे सन, उन्होंने उन्होंने पूछा कि तुसीं किधर, तू किधर देख रहे हैं? तो और जिहड़े श्री जिहड़े सुदामा से उन्होंने जवाब दिता कि श्री कृष्ण मेरे जिहड़े बचपन के दोस्त ने, मैं उन्होंने मिलन आया वहाँ, ठीक है। सुदामे की गल सुन के पहरेदार हैरान रह गए, वह उसनों मखौल करा लगे। आखिर उसके मन में दया आ गई, उसने कृष्ण जी ने बोल के सुदामे का स्नेहा पहुँचा दिता। की होया कि जिहड़े सुदामा सी उन्हां दी जिहड़ी गल सुन के पहरेदार हैरान जे हो गए और उन्हां नूं मखौल करन लगे, और आखिर उन्हां दे मन च दया आई, उन्होंने श्री कृष्ण जी दे कोल जिहड़ा सुदामे दा सुनेहा सी उह भेज दिता कि तुहाडे जिहड़े दोस्त ने उह तुहानूं मिलण आए ने। जदों श्री कृष्ण जी नूं पता लगा कि सुदामा आया है तां उह नंगे पैर ही दौड़े आए। वह सुदामे नूं आदर सहित अंदर लै गए अते अपने आसन ते सुदामे नूं बिठा के उसदे पैर धो धो पीण लगे। की होया कि जो श्री कृष्ण जी को पता लगा कि सुदामा आया है बाहर, तो वह नंगे पैर ही दौड़े गए और उन्होंने सुदामे का बड़ा आदर सत्कार किया, तो उन्होंने अंदर लाया, उन्होंने अपने आसन के उपर बिठा के उन्होंने जोड़े पैर से वह धो धो के पीन लगे, ठीक है। उन्होंने सुदामे की एक पोटली जही टटोली जिस विच कुछ चौल सन वह चौल फक्के मार मार के खाण लगे। उन्होंने कोल जिहड़े चौलों की कुछ सीगी, ठीक है, उन्होंने उन्होंने चौल कढ़ के वह खाण लगे। इस खुशी भरे माहौल में किन्ने ही दिन लंघ गए। आखिर एक दिन सुदामे नूं वापस जाने लई आग्या मंगी, परंतु सुदामा कृष्ण जी कोई मदद ना मंग सकिया। वह रस्ते विच ही उन्दा सोच रहा सी कि उसने मदद क्यों ना मंगी। की होया कि एक आखिर मतलब जिहड़ा माहौल सी बड़ा खुशी वाला सीगा, ठीक है, दिन बड़े वधिया लंघ रहे सन, पर आखिर जिहड़े सुदामा सी उन्होंने घर ते वापस आना ही सी, उन्होंने उन्होंने आग्या मंगी, और जिहड़े सुदामा सीगे उन्होंने कृष्ण जी कोलों कोई मदद नहीं मंगी, और रस्ते विच आउंदिया सोच रहे सी कि उन्होंने उन्होंने को मदद क्यों नहीं मंगी, ठीक है। परंतु जदों उसने अपने घर आ के झुग्गी दी तां एक आलीशान महल देखिया तां हैरान रह गए। उन्होंने ये नहीं देखिया कि इन्हां नूं
श्री कृष्ण जी ने मैनू कुछ दिता है या नहीं दिता। श्री कृष्ण जी उन्होंने बिना दसे ही जिहड़ा सी उन्हां दी जिहड़ी झुग्गी सी जिहदे विच उह रह रहे सी उत्थों आलीशान महल जिहड़ा बहुत शानदार महल सी उह उन्हां नूं दे दिता। ठीक है, और उन्हां नूं देख के उह जिहड़े सुदामा सी उह हैरान हो गए। ठीक है, सो बच्चो इह सी श्री कृष्ण सुदामे की दोस्ती। तुहानू भी श्री कृष्ण सुदामे वर्गी दोस्ती कायम रखनी चाहिए है। ठीक है बच्चे, जिहड़ी ये दोस्ती है बड़ी वधिया दोस्ती है। ठीक है, एक अमीर और एक गरीब की दोस्ती जिहड़ी है देखो कितनी वधिया है। उन्होंने उन्होंने मदद भी उन्होंने की है, उन्होंने दस्या भी नहीं है मदद की। ठीक है, पर उन्होंने पता तो लग गया सी ना कि साड़ी उन्होंने मदद की है, कृष्ण जी ने सुदामा की मदद की है ना, पर उन्होंने उन्होंने बोल के नहीं दस्या कि मैं तेरी मदद करनी, ना ही उन्होंने बोल के मदद मंगी है। ठीक है, और सानू भी जिहड़ी इहोजी दोस्ती जिहड़ी अपनी कायम रखनी चाहिए है। ओके बच्चे, ये अपना चैप्टर 6। ठीक है, तुसी इहदे जिहड़े औखे शब्दों के अर्थ है नोटबुक के उपर डे टू डे मैनशन करो और औखे शब्दों के अर्थ जोड़े वो लिखो, लिख के मैं सेंड करो। ठीक है, और नाल ही जोड़े ये मौखिक प्रश्न है स्पीकिंग स्किल्स, तुसी उन्होंने आंसर की जी ऑडियो है वो तुसी मैं बना के सेंड करो। ओके बेटे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।